और दूसरा आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है, कश्मीर आपका है क्या? आपसे पूछ के नहीं करेंगे, वो खुदा का खौफ तो करें। अभी एक दुनिया में रफ्ताई है कि दुनिया में हजूमी तशद्दुद जो है, ये जो मॉब टेररिज्म है, उसमें भारत सबसे आगे है, भारत सबसे आगे है मॉब टेररिज्म में। लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है, लोगों को बसों से ट्रकों से उतार के उनको रोहित साहब, ये रोने की बात है और हंसने की बात भी, रोने की बात है, गुलबचन जहाँ पकड़ा गया उसके बाद अभी आपके सामने उसने दुनिया के सामने कहा मैं नेवल कमांडर इंडिया रॉन है और नरेंद्र मोदी ने मुझे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था, मैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करता था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता था, दुनिया आईसीजे में सारा कुछ आ गया, इसको तो आपको आईसीजे ने कहा कि ये इंडियन नेवल ऑफिसर है, इसको बताएं, ये जवाब दें आपकी, आप स्टेटिज्म करते हैं, अब मैं जवाब अभी दे ये पकड़े गए हैं, इसमें सारी फंडिंग करते हैं आप, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दें जी रोहित, आखिरी 2 मिनट है प्रोग्राम खत्म होने में, जी रोहित मुझे आपका जवाब चाहिए, पाकिस्तान में क्या कर रहा था जी, ये आपका हाजिर सर्विस आज जी जी, कुलभूषण कौन है पाकिस्तान में क्या कर रहा था बताएं ना, इतना जरा बताए तो सही, ये कल इंडिया दहशत गर्द है इसका मुंह बोलता सबूत कुलभूषण यादव है जी रोहित। सबसे बड़े आप लोग और आईसीजे ने कंफर्म किया, एक मिनट, आप ब्रिगेडियर साहब आप बोल चुके ना यार, अब एक मैं जवाब दे दूं ना, आप लोग चले चले रोहित बोलिए जी जी बोलिए, हाँ ब्रिगेडियर साहब या पिज्जा बहन आप भी बोलते ऐसे हैं कि देखो यहाँ वहां पे गैंग रेप होता है, वहां पे मर्डर होता है, वहां पे ये होता है, अच्छा आप जवाब दीजिए कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कितने वोट से बने, ठीक है, आप इतना कुछ आरोप लगा देते हैं उनका जवाब नहीं, कुलभूषण यादव क्या, मैं जवाब दूं इसका, आपको जवाब दे दूं, जवाब दूं इसका, जो आपने हाँ जवाब ले ना, जवाब ले ले फिर सर, जवाब ले रोहित, एक मिनट जी ब्रिगेडियर साहब जी, रोहित जवाब लीजिए अपने सवाल का, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी आरएस के गुंडों ने मुसलमानों का डरा के उनको खंजर दिखा के गन दिखा के वोट लिए, मजबूर करके लिए, ब्रिगेडियर साहब जब बोल रहे थे मैं चुप था, ओके ठीक है ना, ब्रिगेडियर साहब थोड़ी डिसेंसी रखिए, इतना आर्मी का डिसिप्लिन जी, लास्ट कमेंट जी, क्या पाकिस्तानी आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है, सुनिए कर्नल कर्नल शैलेंद्र आपका लास्ट कमेंट जी, लेट मी आंसर देन, यू शुड हैव द डिसेंसी टू लिसन टू समबडी, ओके, दिल्ली के दंगों की आपने बात की, दिल्ली के दंगों में आपने सवाल पूछा ना रोहित कि नरेंद्र मोदी इतने वोट लेके कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दे दिया, इसमें डिसिप्लिन कहां से आ गया, अरे डिसिप्लिन इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ और वो आप फुल स्टॉप लगा के या तो आप जवाब दें या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल जब पूछेंगे तो फिर जवाब तो मिलेगा यहाँ से आपको, अरे तो मैं सारे जवाब दे तो रहा हूँ, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं दोनों मिलके, मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली, चले कर्नल से मुझे लास्ट कॉमेंट चाहिए रोहित, आपकी इजाजत है मैं कर्नल साहब का लास्ट कॉमेंट ले लूँ, मेरे पास आखिरी मिनट है, अच्छा दिल्ली के दंगे चले कम्प्लीट करें फिर कर्नल साहब का कॉमेंट रहे, दूसरी चीज एक्सक्यूज मी मेरा आंसर कम्प्लीट नहीं हुआ ना, दूसरी चीज इन्होंने बोला कि यहाँ पे इतनी तशद्दुद होती है, भाई साहब तशद्दुद होने के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम्स बड़े खुश हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, आपको पता नहीं है, खुदा का खौफ करें, एक नहीं बता सकते, खुदा का खौफ करें, बोलना शुरू हो गए आप, अच्छा सुनिए और दूसरी चीज, एक मिनट यार फिर आप बोलना शुरू हो गए, आपने ये बोला कि वहां इंडिया में तबरेज और ये और वो लिंचिंग बताई, आपके यहाँ भी तो एक लड़के ने कोई फेसबुक में लिख दिया था तो उसके उसको हॉस्टल से निकाल के लिंच कर दिया गया, नहीं हुआ, ब्लास्फेमी का ही केस था ना वो भी, तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं देखते, और दूसरा आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है, कश्मीर आपका है क्या, आपसे पूछ के नहीं करेंगे, को खुदा का खौफ तो करें, रोहित शर्मा को खुदा का खौफ करो, इसके अपने आपको मरवा रहे पूरे जी लास्ट इंडिया को तोड़ने के चक्कर में पड़ा भाई, आपको अखबार नहीं पढ़ा पिछले 4 साल से, नहीं 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 मुझे आप जी प्राजा साहब एक जुमला बोल दीजिए, फिजा रहे हैं कर, मेरा आप लोगों से सबमिशन ये है, एक जुमला ये है कि भारत इंशाल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े होगा, खुद मोदी के हाथों, कम झूठ बोले
झूठ कितनी मुद्दत रहेगा वो तो होगा ही, गिरी तो पे नरेंद्र मोदी की सूरत में अजाब नाजिल हुआ भारत पे, कि नहीं समझ नहीं आ रहा अभी इंडियन भारत पे तोड़ के जाएगा, ये खुद तोड़ रहा है, भारत गया रूस की तरह टुकड़े होंगे उसके, रूस की तरह टुकड़े होंगे। चले जी, वक्त की कमी है, मुझे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले।